हेलो, कैसे लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और बिंदास होंगे। आज की वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली का, ठीक है, जो कि सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड नहीं थर्ड नंबर पे आता है ऑल ओवर इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल इन इंडिया में, और सेकंड नंबर पे आता है ऑल ओवर इंस्टीट्यूट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल इंडिया में, ठीक है। मतलब एम्स दिल्ली के बाद सीएमसी वेल्लोर, और सीएमसी वेल्लोर के बाद एमएमसी, और एम्स दिल्ली के बाद एमएमसी और गवर्नमेंट क्राइटेरिया ओनली। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली एमबीबीएस की, ठीक है, लास्ट बार हम लोगों ने रिव्यू किया था लास्ट बार चैनल पे, और बहुत सही रिस्पांस था भाई इस वीडियो का, मतलब बहुत सही रिस्पांस था। सो फिर से रिव्यू करते हैं, और पिछले बार से ज़्यादा अच्छा रिव्यू होगा क्योंकि ज़्यादा बढ़िया पीडीएफ बना है इस बार, चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। सो इंट्रो। क्विक फैक्ट्स ऑफ कोर्स की बात करते हैं। टोटल फीस यहाँ पे 15.45K है। एग्जाम नीट के थ्रू एग्जाम है, अप्रूवल एमसीआई अप्रूव्ड है तुम्हारा, और सीट यहाँ पे 250 सीट्स है, जो कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ सीट्स ये कॉलेज तुम्हें प्रोवाइड करता है, क्योंकि इतनी सीट्स तुम्हें हर कॉलेज में नहीं मिलेगा, तुम्हें जिपमार पुडुचेरी में मिल जाएगा, ठीक है। और देखो मैं बहुत स्पीड में बोल रहा हूँ, मुझे पता है, बट वीडियो को छोटी करनी है यार, लंबी वीडियोस तुम्हें भी प्रॉब्लम होता होगा देखने में, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तो ईयरफोन लगाओ, ठीक है। अप्रूवल एमसीआई अप्रूव्ड है, सीट्स तुम्हारी 250 सीट्स अवेलेबल हैं। कोर्स डिटेल्स में 5.5 ईयर्स का कोर्स है, जो तुम्हें यहीं पे कराया जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के अंदर में, जो मैमसी आता है इसके अंदर, और 4.5 ईयर्स का करिकुलम होगा, और 1 ईयर का रोटेटिंग इंटर्नशिप होगा। 15% ऑफ टोटल सीट्स आर फिल्ड इन थ्रू द एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाई CBSE ऑन ऑल इंडिया बेसिस, एंड 85% ऑफ टोटल सीट्स आर फिल्ड इन थ्रू द दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉम। 6 सीट्स आर रिजर्व फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनीज, ठीक है, तो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा तुम्हें पता चला होगा। और एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो देखो, ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा का सबको पता है कि 85% का तुम्हारा स्टेट कोटा होता है, और ऑल इंडिया कोटा होता है 15%, का तो ये चीज़ें तुम्हें पता होंगी आई होप। और नीचे चलते हैं, ठीक है। देखो कॉलेज बहुत सही लगता है क्योंकि बहुत सही सही डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स और टीचर्स इस कॉलेज से निकले हैं। हमारे एक बहुत फेमस टीचर है डॉक्टर एसके सिंह, कोई प्रमोशन नहीं है, मैं क्या प्रमोट करूंगा उनको, क्या हैसियत है मेरी प्रमोट करने की। तो डॉक्टर एसके सिंह हैं, उनकी क्लासेस होती हैं, बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं, और तो मैमसी से ही किए पढ़ा है उन्होंने, और बहुत अच्छा एक पर्सनैलिटी भी लगता है उनका, तो बेसिकली बहुत अच्छा कॉलेज है जहाँ तक उन्होंने हम लोग को क्लासेस में बताया है, बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है और है भी, सेकंड नंबर पे आता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 17 ईयर्स वाला जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो तुम्हारा रहेगा। अब जिन बच्चों ने मेरे पहले वाली वीडियोस देखे हैं उन्हें पता होगा 17 ईयर्स का क्राइटेरिया क्या होता है, अब जिन्होंने नहीं देखा उन्हें नहीं पता होगा, बट अगर मैं फिर से बोल देता हूँ, मैंने मान लो इस साल एग्ज़ाम दिया नीट 2020 में, तो इस साल एग्ज़ाम देने के बाद 31 दिसंबर तक मेरा 17 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, 17 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए 31 दिसंबर तक। तो अगर नहीं है, 17 ईयर्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ। दूसरा ये आता है यार कि हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए 12th में, ठीक है। तीसरा ये आता है यार कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों में हमें इंडिविजुअली स्कोर करना पड़ता है यार 50% स्कोर करना पड़ता है हमें इंडिविजुअली तीनों में 50% स्कोर करना पड़ता है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 12th के एग्जाम में फॉर जनरल ओबीसी, ठीक है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 40% है। अदर डिटेल्स ऑफ दिस कॉलेज की बात करें तो ओनरशिप पब्लिक गवर्नमेंट, अप्रूवल एफिलिएटेड, जेंडर्स एक्सेप्टेड, कोएड एस्टैब्लिश्ड ईयर, बहुत ज्यादा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है क्योंकि एस्टैब्लिश्ड ईयर 1958 है, तो करीबन कितना हो गया 60 ईयर्स प्लस भी रखो तो फिर सही है, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। टोटल कैंपस साइज 122 एकर्स का कैंपस साइज है, तो एक बड़ा कैंपस देखने को मिल जाएगा, मतलब नॉर्मल कैंपस से बड़ा, क्योंकि नॉर्मल मेडिकल कॉलेजेस के कैंपस 100 एकर्स के अंदर ख़त्म हो जाते हैं, तो सही कैंपस है। टोटल फैकल्टी
283 टोटल स्टूडेंट्स एनरोलमेंट 1706 अदर अप्रूवल्स इन ऑफ दिस कॉलेज में एफिलिएटेड और प्लेसमेंट्स जिसको जाननी है भैया कमेंट करो कमेंट करो मैं बताऊंगा मजाक नहीं सच में बताऊंगा कमेंट करो। फैसिलिटीज यहाँ पे तुम्हें बॉयज हॉस्टल बहुत अच्छा एकोमोडेशन मिलेगा बॉयज हॉस्टल के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा एक अच्छा सोसाइटी मिल जाता है नेचर मिल जाता है बच्चे बहुत अच्छे मिलेंगे फ्रेंडली मिलेंगे ठीक है। गर्ल्स हॉस्टल भी वैसे ही सेम टू सेम अप्लाई कर लो। मेडिकल हॉस्पिटल की फैसिलिटी तो रहती है लाइब्रेरी तुम्हारा अवेलेबल है स्पोर्ट्स तुम्हारे स्पोर्ट्स फैसिलिटी में सारे स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं क्रिकेट फुटबॉल बैडमिंटन वॉलीबॉल और बास्केटबॉल और रग्बी उगबी खेलना है तो जाके बोलो स्पोर्ट्स इंचार्ज को दे देंगे ठीक है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सीलेंट है कैफेटेरियाज हैं तुम्हारे स्टाफ और स्टूडेंट्स के लिए स्विमिंग पूल इज ऑल्सो अवेलेबल इन द कैंपस ठीक है। पूल तुम्हें यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगा बहुत कम ही मेडिकल कॉलेज में स्विमिंग पूल अवेलेबल मिलता है तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। लेबोरेटरीज भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली की MS जनरल सर्जरी के लिए। देखो हम लोग सबको का रिव्यू तो नहीं कर सकते हैं मतलब सब एक MS MD में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं सबका रिव्यू नहीं कर सकते इसीलिए हम एक कोई टॉप ब्रांच को पकड़ के उसका रिव्यू करेंगे क्योंकि कॉलेज जो प्रोवाइड करता है यार जो भी चीज़ है और जो फीस होती है वो सब बराबर होती है ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो क्विक फैक्ट्स ऑफ कोर्स की बात करते हो तो एग्जाम तुम्हारा नीट PG अप्रूवल MCI सीट्स यहाँ पे 16 सीट्स अवेलेबल है और कोर्स डिटेल्स 3 इयर्स का एडमिशन प्रोसेस नीट PG की रैंकिंग के थ्रू ही होगा 50% इन AIQ 50% और स्टेट कोटा 50% मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी का 50% है और ऑल इंडिया कोटा का भी 50% है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं MBBS होना चाहिए MCI अप्रूव्ड कॉलेज से ठीक है। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली की बात कर लेते हैं MCH पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए बात करें तो क्विक फैक्ट्स ऑफ कोर्स के में देखें तो अप्रूवल MCI सीट्स यहाँ पे 4 सीट्स अवेलेबल हैं और मोर 3 इयर्स एडमिशन प्रोसेस ड्यूमेट कंडक्टेड बाई दिल्ली यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया MS होना चाहिए ठीक है और MBBS होना चाहिए MCI अप्रूव कॉलेज से। मेस फूड इज एक्सीलेंट फेस्ट एंड कल्चर आर एक्सीलेंट सोशल एक्सपोजर इज वेरी गुड फ्री टाइम मिलेगा करने के लिए स्पोर्ट्स एक्सपोजर ऑल्सो सही है वाईफाई अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी गुड सो मतलब ऑल दो कॉलेज डिजर्व करता है कि सेकेंड रैंक पे रहना डिजर्व करता है डिजर्विंग ठीक है। सो आई होप यार हमने सब कुछ कवर कर रखा हो इस वीडियो में और वीडियो छोटा है पता है मेरे को पर छोटी वीडियो सही है क्योंकि छोटी रहती है तो ठीक है मतलब तुम लोग भी जल्दी देख लेते हैं और निपट जाते हैं ऐसे वीडियोस लंबी 22 मिनट की 20 मिनट की कोई मतलब नहीं बनता है ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सी या वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।